हेलो व्यूवर्स, क्या हाल चाल। तो आज है D13 ब्लॉग का और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये है मेरा छोटा भाई जो कि कहीं से छोटा नहीं लगता। तो इसके साथ मैं स्कूटी पे बैठ के जा रही हूँ अभी होली की शॉपिंग करने। होली की शॉपिंग हो चुकी है बट जो थोड़े मोड़ी चीज़ बाकी थे तो मामा ने बोला कि चलो यार जाओ तुम लोग देख लो, जो जो तुम्हें लेना है वो जाके तुम लोग देख लो। तो राइड एंजॉय करते हुए मैं और मेरा भाई निकल पड़ते हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो चलते हैं हम, ठीक है। स्टे ट्यून विद अस, वीडियोस देखना। तो ये था कुछ व्यू। उसके बाद हम पहुंच गए कॉम्प्लेक्स में। ज़्यादातर सामान हम इसी किराने दुकान से लेते हैं। फिर यहाँ पे हमें दिखा ये गॉगल्स, बहुत ही वाइब क्रिएट कर रहा था और ज़्यादा कॉस्टली था भी नहीं, 60 रुपीज़ पर पीस था। तो मैंने सोचा यार चलो ले लेते हैं यार, ठीक है। उसके बाद ये थे कुछ पिचकारियाँ जो हमें समझ में नहीं आ रहे थे, तो मामा ने बोला कि ठीक है जितना समझ में आ रहा है वो ले लो, बाकी मैं शाम को जाऊँगा तो देख लूँगा क्या लेना है क्या नहीं। तो फिर ये हमने सामान लिया, सामान हो गया था कुछ ज़्यादा। फिर मेरे भाई ने कर्तव्य निभाते हुए सारा सामान ले लिया, बोलता है दीदी दे दो मुझे सारे पैकेट्स। फिर कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था, ठीक है। तो अभी हम आगे स्कूटी की तरफ, सामान रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं और मेरा भाई फिर से चलते हैं मार्केट की तरफ क्योंकि कुछ और सामान लेना था। तो फिर उसके बाद का व्यू कुछ ऐसा था। और ये जो व्यू आप देख रहे हो ना, ये NTPC के क्वार्टर्स है, तो कुछ ऐसा व्यू था। उसके बाद हम पहुंचते हैं बेकरी शॉप पे, वहाँ से हम लेते हैं एक छोटा सा केक। मेरी मामी का जो सबसे छोटा वाला बेबी है वो आज 6 मंथ उसका कंप्लीट हो गया था, तो उसके लिए लेना था एक छोटा सा केक। तो फिर हमने ये केक लिया। वैसे उसका नाम विदिश है पर प्यार से हम सब उसे कुटू मुटू बुलाते हैं, ठीक है। तो केक लेने के बाद अंकल से थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि अंकल यार बड़ा खाली खाली लग रहा है, थोड़ा सा डेकोरेट कर दो। फिर उन्होंने डेकोरेट किया जैसे जैसे। फिर यहाँ पे मामा मिल गए थे, ठीक है, इनसे थोड़ी बातें चीतें की। फिर उसके बाद फिर से हम निकल पड़ते हैं घर की तरफ। अब ले लिया था सारे सामान वगैरह, तो अब हम चल रहे थे घर की तरफ। तो ये कुछ शाम का व्यू था, शाम का व्यू एंजॉय करते करते, ठीक है। घर से 20 बार कॉल आ गया था कि यार कहाँ हो, जल्दी आओ। तो गिरते पड़ते जैसे तैसे हम लोग घर पहुँच गए, ठीक है। घर पहुँचने का वैसे सच बताऊँ तो एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था, लेकिन फिर भी हम घर पहुँच गए फाइनली। उसके बाद अब हम ये केक लेके और बाकी का सामान लेके हम जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। ऊपर जाने के बाद पता चला यार पिज़्ज़ा आया है, तो पिज़्ज़ा को एंजॉय किया, ठीक है। पिज़्ज़ा को देखा तो यार देखते हैं ऐसे फीलिंग आई कि क्या यार इसे तो पोलियो मार दिया, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि टेस्ट बहुत बुरा था, टेस्ट अच्छा था बट हो गया तो मतलब खा लिया जैसे तैसे। उसके बाद ये केक को जलाया, हम केक को नहीं जलाया, कैंडल जलाया हमने, हाँ। कैंडल जलाने के बाद फिर तीनों बच्चों ने मिल के काटा केक। 6 मंथ कम्प्लीटेड, सो हैप्पी बर्थडे टू यू विदिश। 6 मंथ कम्प्लीट हो गया था इसका, ठीक है। फिर केक कटिंग होने के बाद ये देखो ये रहा केक। अब बच्चे ऐसे टूटे ना केक पे, तुम खुद ही देख लो, ठीक है। केक जितना जल्दी कटा उतना ही जल्दी केक ख़त्म भी हो गया, ठीक है। तो ये देख लो, फिर बर्थडे एंजॉय किया, छोटी सी पार्टी तो नहीं कहेंगे बट जो भी था एंजॉयमेंट किया। उसके बाद इन्होंने चॉकोलावा केक लाया, मेरे नाम पे बिल फाड़ा, दीदी का है, मैं खा लूँ करके खुद ही खा गया ही उसका। भाई इन बच्चों के ना शक्ल में मत जाना, ये जितने भी भोले दिखते हैं ना उतने ही बदमाश बच्चे, ठीक है। रात भर इन्होंने एक तो सोने नहीं दिया, ऊपर से ये सब कर करा के ये देखो कितना खुश है।
केक खा के। ठीक है, तो यही था। उसके बाद बहुत महीनों बाद, मैं कहूँगी कुछ 3-4 महीनों बाद, मैंने टीवी देखा। रात को जैसे हुई थी टीवी और इतना, तो कोई देखा, आधा एक घंटा देखा, तो देखते देखते यही था। आज का दिन ऐसे निकल गया, तो अच्छा था आज का दिन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसे वीडियोज देखते रहिए। बाय बाय।